एक गांव के प्रधान थे जो कि पहली बार सिनेमा देखने के लिए सिनेमा हॉल में पहुंचे। वो एक एक्शन पिक्चर थी। सिनेमा हॉल में उन्होंने देखा कि सामने से बहुत सारे घोड़े दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। उन्होंने आओ देखा ना ताओ तुरंत उठे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, भागो भागो भागो, घोड़े आ रहे हैं। तो बगल में जो उनके सज्जन बैठे हुए थे उन्होंने कहा, अरे प्रधान जी आप कहाँ भाग रहे हैं? अरे ये सिनेमा है। तो प्रधान जी बोले, अरे ये आप जानते हैं सिनेमा है, ये हम जानते हैं सिनेमा है, ये घोड़वा नहीं ना जानता है सिनेमा है, अरे भागिए नहीं तो आपके ऊपर चढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये जो कहानी है इससे हमें पता चलता है कि कई बार क्या होता है कि हम जो सिनेमा हॉल में जो स्क्रीन पे दिखाई हुई चीज़ें होती हैं उसको हम हकीकत समझ लेते हैं। तो हम प्रधान जी पे तो हंस सकते हैं दोस्तों, क्योंकि प्रधान जी जो हैं उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार सिनेमा देखा था, लेकिन हम तो न मालूम कितनी बार सिनेमा देखते हैं, कितनी बार फिल्म देखते हैं, और हम इस बात को महसूस भी नहीं करते हैं कि हम जो फिल्मों में देखते हैं वो हकीकत नहीं है बल्कि एक अफसाना है, एक कहानी है और एक इमेजिनेशन है। फिल्मों में अक्सर ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो कि हकीकत से कोसों दूर रहती हैं। जैसे आप देखते हैं कई बार कि कोई हीरो होता है, वो पुलिस इंस्पेक्टर होता है और वो लोगों को मारता है, इनकाउंटर करता है। हकीकत में दोस्तों अगर ऐसा कोई करे तो वो जो पुलिस ऑफिसर है उसको जेल जाना पड़ेगा। उसी तरीके से आपने देखा होगा बहुत सारी लव स्टोरीज रहती हैं जिसमें जो हीरो होता है वो हीरोइन को चीज करता है और पीछे भागता है और वो हीरोइन मना करती है, उसके बावजूद भी अल्टीमेटली उसके पीछे भागता रहता है और आखिरकार जो हीरोइन मानती है और वो दोनों जो है वो शादी कर लेते हैं। दोस्तों हम कई बार ये जो सिनेमा में हम कहानियाँ देखते हैं उसको हम हकीकत में लाने की कोशिश करते हैं, हम वो हीरो जैसा बनने की कोशिश करते हैं, हम उसी तरीके से लव स्टोरी जो है अपनी बनाने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से लड़कियों को जो लड़के होते हैं वो कई बार चेस करते हैं। और इस तरीके से क्या होता है कि जब वो सिनेमा को हकीकत में लाने की कोशिश करते हैं तो अपनी जो ज़िंदगी होती है उसको बहुत ज़्यादा कष्टप्रद बना देते हैं, क्योंकि जो सिनेमा में होता है वो हकीकत में कभी नहीं होता। तो दोस्तों इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो सिनेमा होता है वो हकीकत नहीं होती, वो हमारे मनोरंजन के लिए बनाया जाता है। उसके जो करेक्टर्स होते हैं वो बहुत ही फिक्टिशियस करेक्टर होते हैं, उसमें बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट होते हैं जिनसे ये सारी चीज़ें क्रिएट की जाती हैं। हकीकत में उनको उतारने की कोशिश आप ना करें, क्योंकि ज़िंदगी में आपको ना तो वैसे लोग मिलेंगे, ना उतने बहादुर लोग मिलेंगे, ना उतने सुंदर लोग मिलेंगे, ना उतने अच्छे लोग मिलेंगे जो सिर्फ दूसरों का भला ही करते रहें। हकीकत में जो लोग होते हैं उसमें कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, और जब हम किसी की अच्छाइयों की तरफ जाते हैं और अच्छाइयों से आकर्षित होते हैं तो उसकी बुराइयों को भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो हमें ज़िंदगी में सिनेमा देखना चाहिए लेकिन उसको एक एंटरटेनमेंट की तरह देखना चाहिए, और ये कोशिश नहीं करनी चाहिए उसको हम हकीकत में लाएँ, क्योंकि अगर हम हकीकत में लाने की कोशिश करेंगे तो शायद हम अपनी ज़िंदगी को और ख़राब कर देंगे। और अगर आप इस बात को समझ लें, इस हकीकत को समझ लें कि सिनेमा और हकीकत अलग होते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं और ज़िंदगी में सफलता पा सकते हैं।